चैनल इन्फिनिटिव टेक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फोल्डर के आइकॉन को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने फोल्डर में सेट करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है और ये मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और कस्टमाइज पे जाने क्लिक करने के बाद चेंज आइकॉन का जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जितने भी आपको आइकॉन दिख रहे हैं आप अपने वर्क के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई प्रिंटिंग फाइल है जो मुझे प्रिंट करना है, तो मैं उसे यहाँ पे प्रिंट पे सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये फोल्डर जो है मेरा प्रिंट के आइकॉन से बन गया है। ये तो फ्रेंड्स एक फोल्डर है, यहाँ पर मैं अपनी प्रिंट फाइलें रख सकता हूँ जो भी मुझे प्रिंट करनी है। फ्रेंड्स, मैं इस फोल्डर पे तो राइट क्लिक करूँगा, चेंज आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर्स हैं, तो अपने वर्क के अनुसार जो भी फोल्डर यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल का फोल्डर लगा लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो फाइल्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखते हैं यहाँ पे कितने फोल्डर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर जो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाके आप अपने फोल्डर में जो है अपनी पिक भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपको आइकॉन्स देख रहे हैं ये आप सब अपने फोल्डर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई सीडी या डीवीडी की फाइल्स है तो वो मैं इस टाइप से बना के इसमें रख सकता हूँ। इससे होगा कि मुझे फोल्डर ढूंढने नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी मेरी फाइल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कोई मुझे इमेज रखना है तो ये देखिए इमेज के भी आइकॉन्स हैं, सबसे लास्ट में दिए हैं। इसे भी आप अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, इससे भी आपको इमेज ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।